हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राजकुमार गुप्ता। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। तो इसमें मैं कई पार्टों में इसको डिस्कस करूँगा, जिसमें कि पहला पार्ट कंसिस्ट करेगा आपको फंडामेंटल फैक्ट्स, कि क्या ऐसे फैक्ट्स हैं जिसके थ्रू हम इस चीज़ को आसानी से समझ सकें। डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली मेजरमेंट के जो जितने भी टॉपिक्स हैं या मेजरमेंट के जो भी सिलेबस है आपके, इसके प्रॉपर नोट्स या गाइड कहीं आपको अवेलेबल नहीं मिल पाता। यूट्यूब पे भी आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेसेस पे कुछ थोड़े बहुत टॉपिक मिलेंगे, कहीं कुछ मिलेंगे, एक प्रॉपर वे में कुछ भी नहीं मिलता। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि एक प्रॉपर लेक्चर पूरे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में जितने भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को ज़रूरत पड़ती है, मैं उसको फुलफिल करूँ, और उसमें फंडामेंटल के साथ साथ जो भी लेक्चर में रिक्वायरमेंट्स होंगे वो हर चीज़ को मैं फुटफिल करूँ। कई बार होता है कि मैं इंग्लिश में डिस्कस करता हूँ तो बच्चों को लगता है डिप्लोमा वाले वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिस्कस करूँगा टॉपिक को। तो लेट्स स्टार्ट। मैम, फर्स्ट टॉपिक इज़ टॉर्क, रिगार्डिंग टॉर्क। अगर आप टॉर्क पढ़ने जाते हो तो अगर इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर तो तीन तरह के टॉर्क होते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क एंड डैम्पिंग टॉर्क। जैसे जाना होगा कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होते हैं वो टॉर्क होते हैं जो यूजफुल टॉर्क होता है, और उसके कारण जो भी आप कहने का मतलब है कि उनके कारण जो भी पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है वो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। नेक्स्ट है कि कंट्रोलिंग टॉर्क, जो स्प्रिंग उस टॉर्क को कंट्रोल करता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को, वह कंट्रोलिंग टॉर्क। एंड डैम्पिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क वो टॉर्क है जिसके कारण इन डैम्पिंग और कंट्रोलिंग के कारण जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है डैम्पिंग टॉर्क। तो हम इन तीनों टॉर्क को डिस्कस करेंगे बारी बारी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आखिर देखता हूँ मैं पहला कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, देन द मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। आखिर क्या मैकेनिज्म है जिसके कारण डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर? तो इसके लिए अगर आप डिस्कस करोगे तो आप देखना कि जैसे कि कोई पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है, जैसे आप उसमें सप्लाई देते हो पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है, इसका मतलब है कि क्या मैकेनिज्म है उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो पहला है जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के फर्स्ट मेथड है कि कोई परमानेंट मैग्नेट अगर पहले से वहाँ पर प्रेजेंट हो और किसी कॉइल को आप इनर्जाइज किसी मीडियम के थ्रू उसको कर रहे हो, तो इसके कारण भी क्या होते हैं प्रोड्यूस होता है आपका, इसके कारण भी आपका जो है डिफ्लेक्शन होता है, यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। जैसे कि यहाँ पे एक हमने मैग्नेट रखा और इसमें एक एनर्जी यानी इनर्जाइज कोई कॉल को यहाँ पे सपोज दैट हमने इनर्जाइज कर दिया किसी मीडियम के थ्रू, ये रहा कॉल। तो ये जो आपका लाइन ऑफ फ्लक्स है और ये जो आपके दो दूसरे कॉल है जिसको आपने एक्साइटेशन दिया है, तो इसके कारण ये पॉइंटर जो आपको TD लिखा दिख रहा है ये क्या होता है डिफ्लेक्ट होते हैं, और इसी को हम बोलते हैं जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया। तो इसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने का क्या तरीका है कि एक मैग्नेटिक पोल आप रखिए और मैग्नेटिक पोल के पास एक ऐसा वाइंडिंग रखें जिसको अगर आप एक्साइट करते हो, इसके थ्रू एक्साइट करते हो, तो ऐसे में क्या होता है एक डिफ्लेक्शन टॉर्क प्रोड्यूस होता है जिससे कि पॉइंटर कनेक्ट होते हैं और पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है और स्केल पे रीडिंग आ जाता है। इस टाइप के जो मैकेनिज्म यूज होते हैं वो कहाँ पे यूज होते हैं? वो आपके PMMC में, इंस्ट्रूमेंट में यूज होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने का एक तरीका। नेक्स्ट आगे देखता हूँ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने का दूसरा मेथड क्या है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दूसरा प्रोड्यूस करने के दूसरे मेथड है कि कोई आपका एक आयरन पीस हो, उस पर आपने कॉइल लगाया, कॉइल लगा के आप जब उस पर सप्लाई देते हो तो वो क्या बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स। तो अगर दो डिफरेंट टू डिफरेंट हमने यहाँ पे ले लिया आयरन पीस और टू डिफरेंट आयरन पीस में हमने कॉइल दिया और इस पर अगर आप सप्लाई देते हो, यानी कोई भी किसी चीज़ को मेजर करना है तो ऑब्वियसली आपको सप्लाई देना पड़ेगा उसमें। तो सप्लाई जब देखते हो, जैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी यहाँ पे दिखा हुआ, इसमें जब आप सप्लाई देते हो तो ये कॉइल क्या बनाता है, फॉर्मेशन करता है पोल्स, एन पोल एस पोल फिर एन पोल एस पोल। अगर ये पोल क्रिएट करता है इन साइड द इंस्ट्रूमेंट, तो ऐसे कंडीशन में आप देखो कि यहाँ पे क्या है
एक तो एस पोल है और एक एन पोल है, तो दोनों में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इसी पोल से आपके एक पॉइंटर कनेक्ट होते हैं और जिसके कारण ये डिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये भी एक मैकेनिज्म जो है जिससे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो इसमें जैसे स्टेटमेंट है, द फोर्स बिटवीन टू करेंट कैरिंग क्वाइल्स, अगर दो करंट कैरी कर रहा है, दो कॉइल करंट को कैरी कर रहा है, तो इसमें भी क्या होते हैं, टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो इस टाइप के मैकेनिज्म कहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं, एक सेकेंड देखो, इलेक्ट्रोडायनामेटर टाइप या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल में ये फंडामेंटल थिंग्स अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट, तो ये रहा क्या कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के दूसरे मेथड। नेक्स्ट है कि थर्ड मेथड क्या है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के। तो एक और मेथड है कि कोई सॉफ्ट आयरन पीस का एक डिस्क हो, सॉफ्ट आयरन पीस का एक डिस्क हो, और उसके इर्द गिर्द अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड कॉइल, ये जैसे करंट कॉइल है, कोई कॉइल को अगर वहाँ पे रखते हो, तो इसके कारण इस डिस्क पे एक क्या है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है जिससे पॉइंटर कनेक्ट होता है, और ये टॉर्क आपका आया पॉइंटर डिफ्लेक्ट के, और ये स्केल आपको रीड करता है। तो ये थ्री मेथड दी जा रही, तो थ्री मेथड्स बाय व्हिच डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आर प्रोड्यूस्ड। तो ये रहा वो टॉर्क, कहने का मतलब टोटल कौन कौन से टॉर्क प्रोड्यूस करने के तरीके थे। एक तो था कि परमानेंट पोल रखो आप, यानी चुंबक रखते हो, और उसके एक बगल में कॉइल रखते हो, तो उसको इनर्जाइज करते हो, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है जो पीएमसी में यूज होते हैं। दूसरा मेथड्स है कि कोई परमानेंट पोल नहीं रखो, आप क्या करो, एक आयरन पीस रखो, उस पर आप पोल कॉइल लपेटो, और उस पर अगर आप अप्लाई करते हो, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो मोमेंट होता है उस पोल में, उस पर जब पॉइंटर कनेक्ट होते हैं, तो वो डिफ्लेक्ट करता है। तो ये भी है एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस कराने का तरीका, जो कि इलेक्ट्रोडायनामीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है। नेक्स्ट है ये फोर्स की, एक सॉफ्ट आयरन डिस्क है और एक कॉइल होगा जिसपे आप एनर्जाइज जिसको करते हो, तो उस डिस्क और इसके बीच जो पोल के बीच होते हुए अट्रैक्शन होते हैं, जिसके कारण एक और टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो ये रहा थर्ड वन पॉइंट। नेक्स्ट अगर आप देखते हो, तो नेक्स्ट पॉइंट है मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस कंट्रोलिंग टॉर्क। आखिर क्या मैकेनिज्म है जिससे कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है, कहने का मतलब है कि अगर कोई पॉइंटर, सपोज दैट कोई स्केल है, ये स्केल रहा, अगर इससे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यहाँ से इससे आगे आता आ रहा है, तो इसको कंट्रोल भी करने का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। तो कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्रिंग टाइप का यूज करते हैं, स्प्रिंग। तो इस चीज को मैं देखता हूँ कि कैसे करते हैं। और पहला है कि स्प्रिंग, बाय यूजिंग अ स्प्रिंग, अगर कोई पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है, तो उसको उसके स्पिंडल में क्या लगे होते हैं, स्प्रिंग, जो उसको कंट्रोल करता है। तो वो स्प्रिंग भी हालांकि टू टाइप्स के होते हैं, बट स्प्रिंग जो है आप देखोगे टू टाइप्स के कौन कौन से हैं, एक हेलिकल टाइप स्प्रिंग और दूसरा है स्फेरिकल टाइप स्प्रिंग। तो हेलिकल टाइप स्प्रिंग क्या करते हो आप, वर्टिकुलर और हॉरिजेंटल दोनों टाइप में एप्लीकेशन करते हो, लेकिन ये स्फेरिकल टाइप जो स्प्रिंग होते हैं, उनको आप क्या करते हो, मोस्टली हॉरिजेंटल में यूज करते हो। नेक्स्ट इस चीज को मैं देखूं, अगर नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये क्या करता है, किसी भी स्पेंडल को के साथ अटैच होते हैं, जो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। जैसे कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसी सिस्टम के लिए लगा हो, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, यानी डिफ्लेक्ट कर रहा है पॉइंटर, तो उसको अगर अपोज करने के लिए कि किसी पॉइंट पर रुके, सपोज दैट अगर एमीटर है, तो 4 एम्पीयर पर रुके या 5 एम्पीयर पर रुके, वाट एवर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग वैल्यू वहाँ पर रुके, तो उसके लिए हम कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, जो कि स्प्रिंग के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। कई बार पूछा जाता है आपसे कि कंट्रोलिंग टॉर्क के यूनिट्स आप बताएं, तो कंट्रोलिंग टॉर्क, चूंकि एक्चुअल में कंट्रोलिंग टॉर्क के रिगार्डिंग अगर आप डिस्कस करोगे, तो कंट्रोलिंग टॉर्क रहा आपका, क्योंकि कंट्रोलिंग टॉर्क के टी सी इज इक्वल टू के सी इंटू थीटा। तो कंट्रोलिंग टॉर्क का यूनिट अगर आप देखोगे, तो के सी इज इक्वल टू क्या हो गया, टी सी यानी टॉर्क बटे थीटा, यानी टॉर्क का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर बटे रेडियन। तो यहाँ पे हो गया आपका इसका यूनिट न्यूटन मीटर बटे रेडियन। तो ये रहा आपका इसका यूनिट। नेक्स्ट मटेरियल,
ये जो मोस्टली स्प्रिंग आपके बनते हैं वो फोस्फरस ब्रॉन्ज के बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ स्प्रिंग, क्या एडवांटेज रहते हैं आपके स्प्रिंग के, इस टाइप के स्प्रिंग के, तो इस टाइप के क्या है कि आप देखो स्केल लीनियर स्केल देता है स्प्रिंग। इस टाइप के स्प्रिंग जो होते हैं वो लीनियर होते हैं और मोस्टली यूज हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ये दोनों में यूज होते हैं, यूज फॉर हॉरिजेंटल एज वेल एज वर्टिकल स्प्रिंग। एंड ड्रॉबैक्स क्या है इसके, डिसएडवांटेज अगर आप देखते हो तो एजिंग इफेक्ट, एजिंग इफेक्ट यानी स्प्रिंग लूजेज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, यानी एजिंग इफेक्ट कहने का मतलब है कि अपनी प्रॉपर्टी को लूज करता है आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो ये रहा आपका कंट्रोलिंग टॉर्क, कि कैसे कंट्रोल किया जाता है उस टॉर्क को, किस टॉर्क को, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि कंट्रोलिंग टॉर्क का एक और मेथड होते हैं ग्रेविटी कंट्रोल। ये बहुत कम अप्लाई किए जाते हैं बट ये है एक बैलेंस्ड, कि वह कोई अगर वर्टिकली है एलिमेंट तो उसके लिए मोस्टली यूज होते हैं ग्रेविटी कंट्रोल। इसमें आते हैं आपका कि एक सेकेंड आपको मैं दिखा दूं, इसमें है कि ये रहा, ये वेट है और यहाँ भी वेट होते हैं, तो इनके द्वारा क्या होता है कि अगर आपका कुछ अरेंजमेंट इस तरीके का, अगर ये शिफ्ट यहाँ पे होता है तो दूसरा इसकी वेट ऊपर ना बढ़ जाए, तो उसके लिए ये नीचे फॉल डाउन होता है, जिसके कारण ये क्या हो रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा आ रहे, यानी कंपोनेंट में डिवाइड होता है, तो वेट कंट्रोल बैलेंस यहाँ पे हो जाता है, यहाँ से बैलेंस वेट किया जाता है इसको, तो ग्रेविटी कंट्रोल कुछ इस टाइप से होते हैं। अगर ग्रेविटी कंट्रोल देखें तो इसके क्या एडवांटेज है, एडवांटेज यह है कि लोड नो एजिंग इफेक्ट, कहने का मतलब कितने भी साल है लंबे टाइम के बाद भी इसका एज का इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ता, इसकी एक्यूरेसी वही रहती है जो आप पहले यूज़ करते हो, इसका मतलब एडवांटेज ये है कि एजिंग इफेक्ट नहीं होता। डिसएडवांटेज इसके क्या है कि नॉन लीनियर है ये, इसकी जो स्केल होती है वो लीनियर नहीं होती, नॉन लीनियर होती है, एंड ओनली यूज फॉर वर्टिकल, सिर्फ वर्टिकली यूज होते हैं ये, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि सिर्फ वर्टिकली यूज हो पाते हैं ये, यानी कि कोई अगर इस टाइप के पेंडुलम टाइप के हो तो अगर इसको आगे की तरफ मूव करें तो इसके कंट्रोलिंग में एक बैलेंस वेट यूज होता है, यानी ये हमेशा वर्टिकली होते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अनदर पॉइंट इज मैकानिज्म टू प्रोड्यूस डैम्पिंग टॉर्क, कि आखिर डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस कैसे हम करते हैं, और डैम्पिंग टॉर्क सबसे पहले होता है क्या, इस चीज़ को मैं देखूँ। डैम्पिंग टॉर्क होते हैं, एनालाइज करना आप कि सपोज दैट जो भी टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आप प्रोड्यूस कराते हो, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ये रहा सपोज दैट, एक सेकेंड, ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ये आ रहा है, कोई स्केल है, अगर इस पे कोई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ रहा है टी डी, और इसको कंट्रोल कर रहा स्प्रिंग टी सी, टी सी इसको अपोज कर रहा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये स्प्रिंग ये जो पॉइंटर है वाइब्रेट करती है, ये इर्द गिर्द पॉइंटर वाइब्रेट करते हैं, तो इस पॉइंटर को वाइब्रेशन से रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज़ करते हैं, जो कि क्या करता है इसके वाइब्रेशन को रोकता है, और वाइब्रेशन को रोकने से हमारा क्या होता है, कोई भी सिस्टम बेस्ट होता है, उसकी एक्यूरेसी बेस्ट होती है, रिजोल्यूशन उसका बेस्ट होता है, जैसे कि यहाँ वाइब्रेजी या हमने यूज़ किया एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, ये है कि वाइब्रेशन को कम करे, इसके अंदर एयर हम डालते हैं इसके सिलेंडर के अंदर, पिस्टन होता है ये और ये सिलेंडर होता है, तो ये एक वे है जिसके द्वारा हम डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस कराते हैं और वाइब्रेशन को कंपनसेट कराते हैं। दूसरा है उसके अंदर फ्लूड फ्रिक्शन, इसको कम भी स्टडी करते हैं, एंड नेक्स्ट वन है जो इम्पोर्टेंट है आपके इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट खासकर, वो है एडी करेंट डैम्पिंग, बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये एडी करंट डैम्पिंग क्या होता है, एडी करंट डैम्पिंग होता है कि जो भी हर जगह में वैसा ये इम्प्लीमेंट नहीं करता, हर जगह एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग नहीं यूज होता, ये तो आपको क्या होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप में यूज होता है, लेकिन आप जब एडी करंट डैम्पिंग होते हैं उसके बारे में देखता हूँ, ये क्या होता है, एक डिस्क यूज किया जाता है इसमें, और ये डिस्क क्या करता है कि किसी फील्ड के इर्द गिर्द अगर किसी डिस्क को आप रोटेट कराते हो, तो ऐसे कंडीशन में किसी फील्ड के इर्द गिर्द अगर किसी
डिस्क रोटेट करते हो तो उसमें क्या होता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है और वो जो आपका डैम्पिंग होता है उसको रिमूव करता है। कहने का मतलब एक चीज़ आप देखना, कोई स्पेंडल होगा जिस पे पॉइंटर भी कनेक्ट होंगे, तो ऐसे कंडीशन में मान लो कि परमानेंट पीएमएमसी होंगे जिसमें एन पोल एस पोल फिक्स होते हैं, तो इस स्पिंडल में एक स्प्रिंग भी है सपोज दैट। अगर ये इसको भी कंपनसेट करना है डैम्पिंग टॉर्क को, तो इसके पे जो क्वाइल लपेटे होते हैं, आपको याद हो अगर ये थ्योरम, इसके पूरे थ्योरी जो आगे मैं आगे बताऊंगा पीएमएफसी, इस पे जो होते हैं लपेटे हुए, इसमें जो वाइब्रेशन, अब ये पॉइंटर जो डिफ्लेक्ट करेगा, ये जो पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक डिस्क सा यूज करते हैं। ये डिस्क क्या करेगा, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये डिस्क क्या करेगा, जैसे ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता जाएगा, बार बार डिफ्लेक्ट करता जाएगा, ये डिस्क क्या करेगा, इस फील्ड को कट करेगा, और इस फील्ड कट करने से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, एडी करंट, और वो इस डिफ्लेक्शन को रोकेगा, अपोज करेगा, तो इससे प्रोटेक्ट हो जाते हैं हमारे सिस्टम। तो ये रहा एडी करंट डैम्पिंग। तो दोस्तों ये रहा इसके अंदर, तो ये कुछ फंडामेंटल फैक्ट्स हैं। इसके बाद हम इसके कुछ लॉज पढ़ेंगे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन अगर आप स्टडी करते हो अच्छे से तो आपके कुछ लॉ बहुत अच्छे से आना चाहिए, जैसे कि फ्लेमिंग्स लॉ, फेराडेज लॉ, लेंज लॉ, ये सब लॉ। और ये डैम्पिंग है ये कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या हम इसको करते हैं, तो इस चीज़ को हम बेसिकली बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, दिस इज इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म, और आपको धीरे धीरे सारे वीडियो के लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे सर लेक्चर के, और बहुत ही एक्सप्लेन करके। और मेरी कोशिश है, अगर मेरे पास ज़्यादा इस तरह के कुछ इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते तो मैं और भी बेटर तरीके से करवा सकता था, बट मेरे पास इतनी सुविधा भी अवेलेबल नहीं है। बट फिर भी मेरी कोशिश है कि आपको बेहतर तरीके से मैं आपको समझा सकूँ, और पार्ट बाय पार्ट बहुत ईजी तरीके से सॉल्व करके इसको मैं आपको बताते रहूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।